पार्सल सर, एक दोनों ये कॉर्नर पे और ये कॉर्नर पे तो हाँ बेटर। यस such a musical and incredible work. So big congratulations to all the Sufi School team and of course all of us, all the team of Kaise Sarkar. ये गाना हमने कश्मीर में शूट किया जो कि हिंदुस्तान से मुझे लगता है दुनिया में स्वर्ग जैसी जगह है, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ग होगा तो कोई स्वर्ग है तो ऐसा ही होगा, इस तरीके की जहाँ जाएँ वहाँ आप एक दिल खुशियों से प्यार से भर जाता है जहाँ कश्मीर में जाएँ। तो हमने इसकी शूटिंग गुलमर्ग में, सोनमर्ग में और बहुत ही खूबसूरत जगहों पे सलमान भाई को शूट किया इस गाने के लिए। सो शूटिंग डी ओ पी हैं जो डायरेक्टर हैं वो हैदर जी और गाने के जो कंपोज़र हैं वो है करामत अली जी। तो ये कंपोजिशन उनसे सूफी स्कोर ने थी उनके पास थी तो दे वांटेड टू डू रिलीज दिस सॉन्ग। सो सलमान भाई से मैं कहूँगा कुछ पहले ही कैसा रहा गाने से जुड़ने का, कश्मीर में शूट करने का, अभी कश्मीर बिल्कुल न्यूज़ में है, सब कैसा रहा आपको एक्सपीरियंस? एक्चुअली कुछ गाने का ऐसे होता है कि जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि यार ये गाना नहीं है, ये पागल कुछ ऐसा लगता है, और कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो आपके दिल में जगह बना लेते हैं। उन गानों में से ये गाना एक है, बहुत खूबसूरत गाना है। और मुझे जब पता लगा कि कैसे सरकार मुझे गाना है वो एक कंपोजिशन के पास भाई तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं अपने आप को इतना खुशनसीब फील कर रहा था उस पर कि यार ये गाना मतलब कितना खूबसूरत गाना मिला है मुझे गाने के लिए। एंड मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे पारस भाई का, पारस भाई ने इस गाने में मतलब बोलते ना कि चार चंद लगा दिए, म्यूज़िक इतना कमाल का म्यूज़िक अरेंज किया है पारस भाई ने, इसमें बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत किया है। हमारा काम तो गाने का होता है, उसमें बाकी म्यूज़िक में क्या क्या डालना होता है, क्या क्या डालना नहीं होता है, वो सब चीज़ें हमारे पारस भाई ने किया उसमें। उसमें ऐसा म्यूज़िक कर दिया कि हमने बस सिंपल गा दिया, वो खूबसूरत तो अपना बन गया है ना, उर्जा वो सारा खूबसूरत हमारे पारस भाई ने बनाया उसका। एंड थैंक यू मैं करना चाहता हूँ सूफी स्कोर का, उन्होंने मुझे चुना इस गाने के लिए। थैंक यू सो मच, गाने को बहुत प्यार मिला है और कश्मीर में ये गाना सुना, कश्मीर तो एक गाना बहुत ही खूबसूरत जगह है और जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर, वहाँ से लोग बहुत प्यारे हैं, और ये जगह तो बोलते ना कि जन्नत है, अगर किसी ने जन्नत नहीं देखी तो कश्मीर से ले जाओ, वहीं पर है। तो जब पता लगा कि अरे वहाँ पर शूट करना, बोला रहे यार मज़ा आ गया, वहाँ तो घूमना भी हो जाएगा और अपने
शूट भी हो जाएगा, तो दोनों चीज होंगी, जो भी क्या बोलो शूट भी हो गया। परजी किस तरह का मूड है गाने का अगर बात करें? जैसा इन्होंने कहा कि कुछ गाने होते हैं कि जो सुरीले होते हैं, बहुत मेलोडियस होते हैं, और कुछ गाने होते हैं जो इबादत जीरो सूरत की इबादत और बहुत ही स्पिरिचुअल फील होता है। सो इस गाने को बहुत ही दिल से इबादत की तरह इन्होंने गाया भी है और बहुत ही प्यार, इट्स अ लविंग सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल लविंग सॉन्ग। कैसे सरकार चले आए इस गरीब खाने में, रौनक हो गई इसी तमाम इसी गाने से। सो इट्स अ ब्यूटीफुल लविंग सॉन्ग और कंपोजिशन भी बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी है। सो अरेंजमेंट, म्यूजिक अरेंजमेंट करने के लिए मुझे कंपोजिशन से ही इतनी प्यारी इंस्पिरेशन मिली है। मैंने इस गाने में एक छोटा सा म्यूजिक टू में कवाली पार्ट कंपोज करके यहाँ मुंबई में जो मेल क्वायर कोरस एक टीम है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाया है। सो उसको उस गाने के मूड के साथ उसको इतनी खूबसूरती से वो आया है, कोरस कवाली जैसा एक मूड है उसका। तो इस टोटालिटी में इसमें स्ट्रिंग्स, लाइव स्ट्रिंग्स हमने मुंबई लाइव स्ट्रिंग्स किया है और लाइव रिदम किया है, परकशन किया है। बहुत ही आई हैव अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल कोर टीम जो कि हमेशा मेरे हर काम में मेरे साथ रहते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम कि इस गाने को भी खूबसूरत बनाने में सभी ने मेरा साथ दिया। और ये एक ऐसा गाना है जो कि आप कहीं आपका मन रो हो, कहीं आपको ऐसा फील हो रहा हो कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये गाना सुन लो आप, आपका दिल और मन एकदम खुशी से और प्यार से भर जाएगा। वैसे ही इन्होंने इतनी प्यार से गाया है कि सलमान तो वैसे ही बहुत हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सो वी ऑल प्राउड ऑफ हिम फॉर दैट। बट ये गाना सलमान के लिए भी बहुत अलग गाना है क्योंकि सलमान हमेशा बहुत तैयारी और बहुत एक ही इज़ नोन फॉर दैट कि जो ये गाते हैं वो कोई छू भी नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता, वो पिच, वो स्केल, वो हरकतें। पर ये सलमान ने एक नए तरीके से, नए अंदाज से, एक सोलफुल ठहराव के साथ एक बहुत ही प्यार और बहुत ही फीलिंग से भर के इस गाने को गाया है। सो आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव सलमान अली इन आर कंट्री एंड आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने ये खूबसूरत गाना गाया। मैं सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और सभी के दिलों तक, सभी के दिल और मन तक और घरों तक पहुँचाएँ इस गाने को। प्यार भाई सलमान को ही लेने का खास मकसद कुछ ये गाना, जैसे ही मैंने आपको कहा कि सूफी स्कूल हैड दिस सॉन्ग और उनकी इच्छा थी कि ये गाना पहले कंपोजिशन, जैसे ही कोई भी नया कंपोजिशन होता है तो एक जहन में हमेशा उस गाने की फील और उस गाने के शब्द और उस गाने के मूड के हिसाब से हमेशा कोई ना कोई सिंगर एक दिमाग में रहता है। तो जब इस गाने को मैंने सुना और फेसबुक के साथ शेयर किया अपने थॉट्स, तो कोई दूसरा नाम ही नहीं आया दिमाग से। फ्रॉम द फर्स्ट थॉट इट वॉज सलमान अली और एज ए सिंगर, और कोई थॉट ही नहीं आता। हाँ 100% हम लोगों ने कितना साथ में इंडियन आइडल में भी, ये तो हमेशा ही इज अ रॉक स्टार ऑफ आर कंट्री। सो बहुत मज़ा आता था वहाँ पर भी परफॉर्म करने में साथ में। सो बस ये था कि कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर सलमान ये नहीं गाएंगे या अगर सलमान से नहीं गाया तो अगर वाला, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था दिमाग में, ये सलमान ही गाएगा और वो ही गाएगा। सलमान कैसी केमिस्ट्री है आपकी
इनके साथ में काम करके भाई के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, 3-4 साल रिश्ता है आइडल में साथ थे और मगर भी हमारी जो बंदी थी उनके साथ वो गाना था तो बहुत प्यार था हमारा और मैं तो उनको बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत सुना है मैंने, बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि इनके साथ में काम करके मुझे एक मौका मिला है। और एक्चुअली आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि खास मकसद क्या है इस सम्मान में, ये गाना ना मेरे लिए भी एक चैलेंज के तौर पे था बेसिकली, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा मेरे जो गाने होते हैं बहुत ही हाई पिच के होते हैं और कोई भी गाना था आप मेरे मैं बहुत सारे गाने गाए जिसमें बस सिर्फ स्टार्टिंग ही हंसती है सीधा यहीं से स्टार्ट होता है मेरा और किससे होता ही नहीं तो और ये बेसिकली इतना सुकून का गाना है कि तो मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ अलग ट्राई करने का एक मौका मिला, कुछ अलग जॉनर का एक मुझे कुछ करने का मौका मिला, क्यों ना इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया जाए, तो बस मैंने कोशिश की थी इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए और बाकी तो हमारी चिंता है बताएंगे कि मैंने कैसे गाया कैसे नहीं गाया कैसा लगा। सलमान वीडियो की बात करें इसमें कौन कौन है फीचर्स दिख रहे हैं पोस्टर में, पोस्टर की अगर बात करें इसमें इसमें सलमान भी है। हाँ जी सलमान भी एक्ट कर रहे हैं इसमें 100% गाना ही इनका है वे तो एक्ट करेंगे और साथ में मायरा एक बहुत ही अच्छी मॉडल और बाकी मुझे मेन मॉडल्स के नाम सॉरी नहीं पता, सो दो मॉडल तो एक लविंग जैसा मैंने कहा लविंग सॉन्ग है तो एक लविंग केमिस्ट्री दिखाई है साथ में हम लोग भी हैं वीडियो म्यूजिक वीडियो में बट उसके साथ साथ एक केमिस्ट्री दिखाई है बिकॉज इट्स अ लविंग सॉन्ग और म्यूजिक वीडियो इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो हमारे वीडियो डायरेक्टर थे उनके साथ डिस्कस कर रहे थे कि वीडियो को किस तरीके से हम लोग गाने के फील के साथ शूट करें और किस तरीके से मैसेज पहुँचाएँ इस गाने की, तो एक अपनी जब आप गाना आंख बंद करके सुनेंगे तो एक अपनी एक इमेजिनेशन उसकी पता ही चल जाएगा कि ये गाना किस मूड का है, प्यार का गाना है, मोहब्बत का गाना है, इबादत का गाना है, ये तो आपको गाना आंख बंद करके भी एक फील मिलेगी आपको। बट क्योंकि हम इस गाने को शूट भी कर रहे हैं म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं तो सबसे पहला ख्याल आया कश्मीर, सबसे पहला ख्याल ही आया कि कश्मीर हम कहीं और नहीं जाएंगे, इसको कश्मीर में ही शूट करेंगे। सो जैसा हमने पहले भी कहा कि कश्मीर तो जन्नत है इस धरती पे, तो ये गाना इबादत है तो इस इबादत को जन्नत पे शूट किया जाए, सो बहुत ही खूबसूरत जगहों पे हमने इसको बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स आए हैं, आप सभी इस गाने को इस वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको एक गाने के साथ जो वीडियो का जो एक ऐसा नहीं है कि गाने की फील से वीडियो अलग जा रहा है, गाना कुछ अलग कह रहा है और वीडियो कुछ अलग कह रहा है, दोनों ही इतने मर चुके इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से वीडियो आया है म्यूजिक के साथ कि आई एम सो हैप्पी कि ये प्रोजेक्ट वी आर पार्ट ऑफ दिस सच म्यूजिक एंड अमेजिंग पीस म्यूजिकल पीस एंड सच अमेजिंग म्यूजिकल। सलमान आखिर में चलते चलते दो लाइन दोनों मिलके एक सही उसके बाद चलते चलते पर उससे पहले मेरा एक सवाल है जी, आप यू आर अ लेजेंड, आप सबसे बड़े फ्लोटर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के हमारी कंट्री के, आर यू डानास प्राउड एंड सलमान आल्सो जस्ट मेंशन कि भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो फ्लूट की बात करें तो कितना एलिमेंट है गाने में? वेल आई एम नॉट एट ऑल अ लेजेंड, that's a very big compliment to take right now, so but I'm just a student, main ek shagird ki tarah abhi bas seekh raha hu aur koshish kar raha hu every day ki kuch acha ho, aur is gaane mein maine jaan boojh ke basri ya basri nahi bajayi because maine isme gaya isme mere ko laga ki kuch different karte hain, so I sang intro part of the this song, so वो part जो है वो ऐसा है सरगम में वो उसको compose किया है, रेगा गा 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 रेगा गा 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 रेगा गा 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 गा
सारी सा प ग ग ग ग ग स रे प ग ग ग ग द स रे प ग ग ग प प ऐसा एक सरगम मैंने गाया। फिर उसके बाद एक म्यूज़िक टू है जिसमें मैंने आपको कहा कि वो म्यूज़िक टू में कवाली जैसा एक मूड है वो डेवलप किया, क्योंकि इट्स अ वेलकमिंग प्यार भरा सॉन्ग है, तो मेरे को लगा कि उसको एक कुछ शब्द में इस तरीके से कंपोज किया जाए तो एक क्वायर के साथ गवाया जाए तो बहुत अच्छा मूड डेवलप होगा गाने का। सैया बोरा पिया घर आयो सवरिया पिया घर आयो सवरिया पिया घर आयो पिया घर आयो पिया मोरा। तो ये इस तरीके से एक पार्ट कंपोज करके उसमें म्यूजिक में है ये पार्ट। और मैं जैसा कि बांसुरी की बात है तो मैं आई एम द फोर्थ जनरेशन इन माय फैमिली। मैं बनारस घराने से तारुफ रखता हूँ और मेरे दादा गुरु पंडित शिवनाथ जी, मेरे पिताजी जैसे मैं सिकता हूँ मार जी पंडित अमरनाथ जी, मेरी माता जी मेरी गुरु माँ श्री दीनानाथ जी और मेरे सभी परिवार के सभी बड़े सदस्य, उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि मुझे संगीत की ये जो ट्रेजर है उन्होंने मुझे सिखाया और इस लाइफ में आया कि आज मैं आप सबके सामने बैठा हूँ। और म्यूज़िक के वजह से ही जो भी हूँ मैं, उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी हूँ, उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद और उनकी मेहनत से हूँ। सो आई कांट थैंक इनफ इन माय लाइफ और एनी लाइफ फॉर गिविंग मी दिस ट्रेजर इन माय लाइफ। सो बाकी म्यूज़िक तो बहुत बड़ी जर्नी है, तो कैसी दुनिया है कि म्यूज़िक वहीं का वहीं है, 1200 वहीं के वहीं हैं, बहुत सारे बड़े से बड़े लेजेंड आए और वो वापस आएंगे। बोलते हैं ना कि एक रीबर्थ होता है, हर अवतार लेते हैं लोग जो हमें सिखाने के लिए आते हैं, हमें बताने के लिए आते हैं कि म्यूज़िक में ऐसा भी होता है, ये भी तरीका है, ये भी रास्ते हैं म्यूज़िक को करने के लिए। है वही 1200 पर पूरी दुनिया का म्यूज़िक उसी 1200 में समा जाता है, ये कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए म्यूज़िक को हम भगवान और ईश्वर की जगह रखते हैं और वैसे ही भगवान की तरफ पूछते हैं। सो वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी आर वी बॉर्न एज अ म्यूजिशियन, वी बॉर्न एज अ आर्टिस्ट। सो यही एक म्यूज़िक की जर्नी। और मैं साथ में एक दिल से थैंक्स करना चाहूँगा, ये मुझे लगता है कि ये हमने सबको थैंक्स कहा है, सूफी स्कोर को थैंक्स कहा है, सलमान को थैंक्स कहा है और जो जिन्होंने शूट किया है हैदर जी उनको थैंक्स कहा है। आई वुड लव टू थैंक ऑल माय कोर म्यूजिकल टीम जो कि जिनके वजह से, जिनके साथ जुड़ने की वजह से ये गाना खूबसूरत हो पा रहा है। म्यूज़िक अरेंजमेंट और कंपोज करना एक सोच होती है पर उसको प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंटेशन के मेरी जो थॉट्स हैं उसको इंस्ट्रूमेंटेशन पे डिलीवर करना, उसको रिकॉर्ड करना, उस तरीके से बजाना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। सो आई रियली वांट टू थैंक ऑल माय कोर टीम, सौरंजय माय गुजर ग्रेट परफेक्शनिस्ट प्रशांत सुनागरा सच अमेजिंग तबला प्लेयर एंड मोहम्मद फिरोज भाई सच अमेजिंग कीबोर्ड प्लेयर पियानो प्लेयर, संतोष मणिकर जी सच अ लेजेंड लिविंग लेजेंड पियानो प्लेयर और ऑल द रिदम आर्टिस्ट ऑल द स्ट्रिंग सेक्शन मुंबई स्ट्रिंग सेक्शन एंड ऑल द क्वायर मेल क्वायर जिन्होंने इस गाने को खूबसूरत बनाया है, राहुल शर्मा जिन्होंने बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे दिल से इसको गाने को मिक्स किया है, क्योंकि हम कितना ही इसको दिल से रिकॉर्ड कर लें, इस गाने में कितना ही म्यूज़िक अरेंजमेंट डाल लें या कुछ भी कर लें, जब तक ये गाना अच्छे से मिक्स नहीं होगा, अच्छे से साउंड इसका जो हम चाहते हैं, जो हमारी सोच है एज अ सिंगर एज अ कंपोजर एज अ अरेंजर, इस गाने की जो थॉट हमारे दिमाग में है उसको प्रैक्टिकली उस साउंड को बनाना, तो थैंक्स टू राहुल शर्मा, थैंक्स टू ऑल दी ऑल एवरीवन। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ सो आई रियली वांट टू थैंक यू। 20 मिनट सर जाते जाते एक गाना बजाएंगे दोनों 100% सलीम भाई सलमान जी दोनों यही गाएंगे। अब मैं सलमान भाई सलमान जी रोहित भाई मैं भी तुम ही देखो Thank you.
से जल्दी जल्दी कर कैसे सज कर चले आए गरीब खाने में, कैसे सरकार चले Thank you, sir. Early voice check.